हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, आप भी सोच रहे होंगे काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाल रहा हूँ मैं, तो भाई एक तो टाइम नहीं मिलता है, काफ़ी थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा। तो अभी तो गाइस अभी दिवाली आने वाली है, और आपको पता है मैंने पिछले साल भी आपको दिखाया था भाई, हम दिवाली पे कोई भी त्यौहार होता है तो हम मतलब सिस्टर्स के और बुआ जी के घर पर सामान देने जाते हैं, तो आज भी मैं वहीं जा रहा हूँ। एक तो पुलकित के घर और गौरव भाई के घर पर, वहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को, कितने टाइम बाद हो रहा है ना, तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। तो कोई नहीं गाइस, आपको दिखाते हैं जब जाते हैं कहाँ पे जाते हैं पहले, फिर वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाना है, तो चलिए चलते हैं फिर। सो गाइस, एक बार ऊपर जा रहा हूँ मैं, ऊपर क्या हाल है देखता हूँ। बंदर आ रखे थे भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ये कुछ गमले लेके आए भाई, इसमें लगाएंगे कुछ अलग अलग तरह के प्लांट्स। भाई कपड़े सूख रहे हैं, आज तो कपड़े धोए भाई बहुत सारे। वही ये देखिए अमरूद का पेड़, ये एक अमरूद भाई, यहाँ पे कम से कम 4-5 अमरूद लगे हुए थे, मंदर खा के लगता है। इस पोल्यूशन देखिए कितना ज़्यादा पोल्यूशन है भाई, आप तो मास्क लगा के रखिए, कहीं भी जाओ तो मास्क लगा के जाओ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ नीचे, रेडी हूँ मैं, जा रहे हैं नीचे। अब चलते हैं अंदर। सो गाइस पहुंच चुका हूं मैं अंदर, अभी मैं अंदर से ही बाहर आया हूं, दोबारा फोन भूल गया था मैं अपना। गौरव के घर पे सामान दे दिया, अभी जा रहे हैं हम हिमांशु के घर पे, और देखते हैं हिमांशु तो आज है नहीं मेरे ख्याल से, गया हुआ है कहीं पे, तो पुलकित होगा, तो दिखाते हैं वहां पे। हिमांशु घर आ चुके हैं, ये देखिए अभी देखते हैं महाराज जी घर पे है या नहीं, जा रहे हैं अंदर। गाइस अब घर जा रहे हैं हम। सो गाइस फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं, और सारा सामान दे दिया है, सभी को दे दिया है, और अब जाते हैं घर पे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है, जो भी होगा आपको दिखा देंगे। चलिए फिर चलते हैं घर पे। अभी फिर से मेरे को जाना पड़ेगा एक बार रूडी के घर पे, वहाँ भी सामान दे के आना भाई, दे आते हैं निपटाए, छुट्टी करते हैं भाई एकदम, और क्या करते हैं फिर, भाई मिस्ट्री के घर पे बच जाएगा सामान देना, वो बाद में नहीं कल परसों दे देंगे, लेकिन ना आज भाई घर पास में, क्योंकि मैंने सोचा चलते आते हैं यहाँ भी। मम्मी कह रही थी भाई दे आप ना जल्दी से आ जा, फिर सब बुआ के दिया सारे सिस्टर भी हो जाएंगे, आज रूडी की मम्मी हो जाएगी और फिर कल मिस्ट्री की मम्मी, कल या परसों तभी भी जाना हो चले जाएंगे, कोई नहीं। और भाई बीच में मैंने ये ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ना तो पुल कितना नहीं हुआ था, ना बोल रहा था कोई नहीं था, तो इसलिए उसके लिए सॉरी, बीच में नहीं आता है, बस आने जाने का मैंने आपको दिखा दिया था। तो अब ऐसे ब्लॉग्स आते रहेंगे आपके पास, जैसे कोई भी कुछ ओकेज़न या कुछ ऐसा होगा तो आपके पास ज़रूर आएगा, और अब तो दिवाली आ रही है, दिवाली पर मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। गाइस आ चुका हूँ मैं यहाँ पे रूडी के घर पे, देखा कितनी जल्दी पहुँच गया मैं, बहुत स्पीड से आया हूँ मैं। भाई बाइक पे ट्रैफिक जाम मतलब लगना स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे रात होती आ रही है जाम लगता जा रहा है, तो मैं शॉर्टकट ऐसे गलियों में, मेरे को पता था, निकल आया मैं अपना आराम से। और गाइस आपको एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, ये देखो गाइस, कभी मैं खेलता था इस बैट से, है मैंने बहुत खेला हूँ गाइस, मैंने रूडी को दे दिया ये, और रूडी दिखाता हूँ भाई, मैंने बोला था ना वो साइकिल चला रहा है, और मैं दिखाऊँ कहाँ पे चला रहा है वो साइकिल, अभी दिखाता हूँ कहाँ पे, देखो गाइस ये रहा, ये रहा देखो, ये साइकिल चला रहा है, ये रहा ये देखो, इसको हिलेटी हुई एक क्या है, दो नंबर का क्या मतलब है, कहाँ जाना है वॉशरूम
तो मेरे को एक्सप्लेन क्या है, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आता। देखो क्या देख रही है क्या? कैची पता ना क्या है, समझ में आ रहा है। ओ ये देखो कैसे बिठा रखा डॉगी ने, और उसकी मम्मी भाई अंदर रख रही है, खाने की तैयारी कर रही है। तो गाइस मैंने लगा लिया है मास्क, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, और अभी मैं जा रहा हूँ बूढ़ी के पास। तो गाइस अभी मैं मतलब साइकिल चला रहा हूँ अभी आयरूडी के पास, और मैंने पहन लिया मास्क, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है। अरे वो मास्क अटक गया कान पे ये भाई, ये तुरंत हो रखी है कोरोना ने पर आ गई, ये बच्चे भी उतरे भाई पास। अरे भाई ट्रिट तो नहीं मार रहे बस खुश हो गए? हां खुश हो गए यार, बहुत साल बाद साइकिल चलाई, बहुत साल बाद। वाह ऐसी लग रही है, मजा आ गया। पर मना दूंगा भाई, भाई देखो साइकिल चला रहा हूँ। ओ हाँ यो यो ब्रेक तो बहुत टाइट है भाई इसके। तो गाइस देखो मेरे को जाने नहीं दे रही, एक चप्पल ये मेरी लेके भाग गया, और एक मेरे को पहना रखी है पैर में, ये देखो क्या हालत रखी है मेरी। जान दे भाई, जाने नहीं दे रहा मेरे को, देखो रुक जा। हाँ बताओ जाने दे मेरे को, मेरे को जाने नहीं देख रहा है। देखो इसके आप ये देखो चप्पल ले मेरी, अरे दे ओ गंजे चप्पल दे। हाँ ये देखो गाइस ये भी साथ चल पड़ा मेरे मामा के जाने के एक्साइटमेंट देखो। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं दीदी के घर से, और मेरे साथ एक और ये देखिए कौन आया है, इसको देखो ये देखो कैसे मेरे साथ ऐसे ये ऐसे ही रहता था। तो इसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना मेरे साथ आने की, ये मेरे से ना बार बार पूछे जा रहा था इनडायरेक्ट वे में, आप अकेले जाओगे, आप अकेले जा रहे हो, कौन और कौन जा रहा है आपके साथ, मतलब ये पूछना चाह रहा था कि मैं भी चल रहा हूँ या नहीं। तो भाई फाइनली आ चुका है मेरे साथ ये देखिए, और भाई ठीक है आ गया तो अच्छी बात है। वैसे भी इसके स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी है, इसका स्कूल का सर्कुलर आ चुका है, और पोल्यूशन की वजह से छुट्टियाँ हुई हैं भाई, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है। आप भी अगर बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क लगा के जाइए, और भाई टाइम टू टाइम अपना खान पीने का ध्यान रखिए, और गर्म पानी जरूर पीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ गर्म पानी बहुत ही अच्छा है इस टाइम पे, जैसे पोल्यूशन वगैरह हो रही है तो गर्म पानी पीते रहिए। और गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और अब जो भी नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा, चाहे कुछ दिवाली हो चाहे कोई भी ओकेजन हो। और नेक्स्ट मैं अभी मेरे ख्याल से कहीं अभी जाने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा, सरप्राइज़ है अभी बता नहीं ना, लेकिन इतना बता रहा हूँ वो जगह मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं हर साल जाता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो सकती है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा बाद में जब भी जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसी के लिए गुड बाय।